हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विकास चौधरी की हत्या के मुख्य आरोपी अभी पकड़े भी नहीं गए और जिला फरीदाबाद में कौशल गैंग की रंगदारी लेने का खेल शुरू हो चुका है। यहाँ हेमंत नाम के एक स्क्रैप व्यापारी को पहले तो हथियार के दम पर सेक्टर 11 से अगवा किया गया और फिर शहर में लगभग 2 से 2.5 घंटे तक घुमाते रहे। व्यापारी को उसी की गाड़ी में अगवा किया गया और साथ ही उसकी बीच बीच में पिटाई भी करते रहे, जिससे व्यापारी के चेहरे और शरीर पर कई जगह चोटें आई हैं। अपहृत व्यापारी के मुताबिक वो किसी काम से सेक्टर 11 आया हुआ था कि अचानक एक गाड़ी ने उसको ओवरटेक करके गाड़ी को रुकवा लिया और उसके साथ साइड मारने की बात कहते हुए झगड़ा करने लगा। थोड़ी देर बाद ही एक दूसरी गाड़ी में युवक के कुछ और साथी आ गए और व्यापारी हेमंत की कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर और उसको उसकी ही गाड़ी में डालकर ले गए। हेमंत ने बताया कि उसको गाड़ी में डालने के बाद उन्होंने उसकी कनपट्टी और छाती पर रिवॉल्वर तान दी और 1 करोड़ की रंगदारी मांगने लगे, जिसके बाद व्यापारी के फोन से उसके परिचित शख्स के फोन पर रंगदारी की मांग की गई। इसके बाद व्यापारी ने बताया कि NIT के DAV कॉलेज पर 10 लाख रुपए देने की बात तय की गई और बाकी 90 लाख की रकम को हर महीने देना तय हुआ था। पीड़ित के मुताबिक बदमाशों ने अपने फोन से किसी कौशल नाम के शख्स से बात कराई, जिसने कहा कि जो बात उसके गुर्गे कह रहे हैं वही करो तो सही सलामत छोड़ दिए जाओगे। अपहरण की इस वारदात के बाद स्क्रैप व्यापारी पूरी तरह से डरा हुआ है और पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाकर कह रहा है कि अगर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई तो ये शहर छोड़ देंगे। सर, क्या शुभ नाम है आपका? हेमंत जी। हेमंत जी, आपने एक शिकायत दी है जिसमें अपहरण कर आपसे 10 लाख रुपये लिए हैं बदमाशों ने, क्या था पूरा मामला? ये मिलन के सामने रोड पे मुझे एक स्टीम गाड़ी ने रोका, तो उसने फिर मेरे को कहता है आपने मेरी गाड़ी ठोक दी पीछे, आप ऐसे कैसे भाग रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने सोच तेरी गाड़ी ठोकी नहीं, लगी नहीं मेरी गाड़ी को, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? कहते नहीं हम झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने फिर बहाना बना के मेरे को उतार लिया, रोक लिया। तो इतने में दूसरी गाड़ी सफ़ेद रंग की कार फॉर्च्यूनर या फिर इंडिवर थी, बड़ी गाड़ी थी, वो आके रुकती है, मेरे को घेर लेती है जी। तो घेरने के बाद दो आगे से उतरते हैं, दो पीछे से कमंचे उठा के, मैं कमंचा नहीं सॉरी पिस्टल लेकर, हथियार थे उनके पास, हथियार थे उनके पास जी, पिस्टल लेके मेरे को जबरन धकेल के पीछे डाल के और चारों मेरे गाड़ी में बैठ गए, मेरी गाड़ी। अच्छा, आपकी गाड़ी में बैठ? हाँ, सन्नी गाड़ी है मेरी जी। तो उसमें बैठने के बाद फिर उन्होंने मेरे को दबोच दिया पैरों में, अपने घुटनों में। अच्छा, तो दिखा नहीं कि किस तरफ मुड़े, मिलन की तरफ गए, मिलन रेस्टोरेंट है 11 में, तो इस तरफ मुड़े कि इस तरफ मुड़े, मुझे नहीं मार, तो शायद बाईपास की तरफ मेरे को ले गया। अच्छा, तो एक लड़का कह रहा था नहर की तरफ चलो, नहर वहीं मार के फेंकेंगे कुछ ना। वहीं इस मामले में जब हमने पुलिस अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि पीड़ित महंत की ओर से एक शिकायत देर रात मिली थी, जिसके आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और हेमंत ने कौशल गैंग के खिलाफ अपहरण और रंगदारी की बात भी शिकायत में लिखी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे है सर, रात को 12:30 बजे से हमने कंट्रोल से सूचना मिली, भाई हेमंत ने कंट्रोल में फ़ोन किया था कि मेरे साथ ये वारदात हो गई। तो उस वारदात के समय कंट्रोल से हमने नंबर लेकर हेमंत से बात की और हेमंत उस समय कोतवाली थाने में थे जी। तो कोतवाली थाने में थे, तो कोतवाली थाने में मैं हेमंत से वहाँ जाकर मिला और हेमंत से घटना के बारे में हमारे मुलिकित में कंप्लेंट दिए और जिस संबंध में हमने तुरंत मुकदमा दर्ज करके और इसका अपने हेमंत का शारीरिक मेडिकल करवाया गया, FIR दर्ज हो चुकी है और तफ्तीश जारी है। क्या बताया कंप्लेनेंट ने? कंप्लेनेंट में ये लिख रखे हैं कि मैं यहाँ सेक्टर 11 में आ रहा था और पीछे से गाड़ी आई स्टीम, उसने मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी, उसने कहा भी आपने मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट किया है। संदीप तुशीर संघ, दीपक कुमार की रिपोर्ट, PunjabKesari.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए, यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।